दोस्तों, आपने ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बना लिया, वायरल कंटेंट पे भी वीडियो बना लिया, जो आपके नीच के मतलब आपकी जो कैटेगरी के वीडियो है उसके जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, उसको भी जो उनके वायरल वीडियो उसको भी आपने देखा, उसको भी लगा कि आपको यार इस पर वीडियो बनाना चाहिए, आपने उस पर वीडियो बना लिया, लेकिन फिर भी आपके वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे हैं। आपके वीडियो पर 1, 2, 5 किसी किसी के 0 व्यू आ रहे हैं, किसी किसी पर 10, 15, 20 व्यू आ रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा टेंशन है। बहुत सारे यूट्यूबर को देखिए, उनके चैनल पर व्यू नहीं आते हैं। पता क्यों? बहुत सारे ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं ना जिनको यही नहीं पता होता कि वीडियो किस टाइम पे अपलोड करना है। अभी आप देखिए, आप जब मन करता है वीडियो अपलोड कर देंगे तो आपके चैनल पर व्यू नहीं आएंगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। क्योंकि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं? 100, 200, 500, 1000। तो इससे क्या होगा कि आपके सब्सक्राइबर बेस कम है, तो सब्सक्राइबर बेस कम है तो आपको जानना पड़ेगा कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो वीडियो देखते हो किस टाइम पर वीडियो देखते हैं, कि जिस टाइम पर वीडियो अपलोड करेंगे उसी टाइम पर आपका वीडियो हो जाएगा वायरल। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है दोस्तों। अगर आप इस चीज़ को जान गए तो आपके वीडियो में व्यू आने ही आने हैं। पहले दोस्तों मैं भी क्या करता था, वीडियो सुबह 9 बजे अपलोड कर दिया, कभी शाम को 5 बजे अपलोड कर दिया, कभी दोपहर अपलोड कर दिया, कभी कभी तो मैं रात को आता था ऑफिस से, तो मैंने क्या किया, रात को 11, 12 बजे वीडियो अपलोड कर देता था। अब उससे क्या होता था कि मेरा वीडियो जो है ना किसी भी टाइम पर भी पोस्ट हो जाता था, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है और जो मेरे सब्सक्राइबर थे उनको पता नहीं चलता था कि मेरा वीडियो किस टाइम पे आएगा, तो एक रिदम नहीं बन पाते थे दोस्तों। इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज की इस वीडियो में अगर आप अपने वीडियो को किस टाइम पर अपलोड करेंगे जिससे आपके वीडियो पर भर भर के व्यू दबा के व्यू आएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे दोस्तों, और आपका चैनल पक्का अच्छे से ग्रो भी होगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आप नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ अगर आप पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं तो चैनल पर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो है अपने वीडियो पे जो आप जाइएगा ना एनालिटिक्स पे, तो वहाँ दिखाता है, एक ऑडियंस का ऑप्शन आता है, वहाँ पे देखेंगे आप तो एक बहुत बड़ा कॉलम आता है। लोग क्या करते हैं, उस कॉलम को देख करके है ना, उस कॉलम को देख करके वहाँ पे वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं। अरे, आपका चैनल पे अगर बहुत बड़े बड़े सब्सक्राइबर हैं, जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे मान लीजिए कि मनोज डे हैं, टेक्निकल योगी हैं, या यूट्यूबर बाबा हैं, या जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, तो वो लोग अगर जो है वीडियो अपलोड करते हैं उस टाइम पे तो उनका वीडियो आएगा। क्यों? क्योंकि उनका सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनके 10 लाख 15 लाख सब्सक्राइबर है तो 1000, 2000, 5000 भी शुरू में ही फट से बूस्ट आ जाएगा, तो उनके सब्सक्राइबर उनके वीडियो को देखेंगे। लेकिन आपके सब्सक्राइबर कितने हैं? 100 हैं, 200 हैं, 500, 1000 हैं, और आप डाल रहे हो वीडियो दबा दबा के विदाउट किसी टाइम पे, जो मन करता वीडियो डाल दो, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका टाइम जो है वीडियो अपलोड करने का एक प्रॉपर नहीं है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपके जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जो जा रहे हैं, वो एक सही टाइम पे नहीं जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि आपके सब्सक्राइबर को पता ही नहीं चल रहा है कि कितने वीडियो आएंगे। अब देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे ध्यान देखिएगा। तो जो एज डिफरेंट एज है, मान लीजिए कि जो एज दिया हुआ है 15-19 साल का, 25-34 साल का, तो ये जो एज दिया हुआ है इस एज में ही आपके लोग जो है सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो देख रहे हैं। जैसे मेरे देखिए, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि इतने एज रेटिंग है। इस एज रेटिंग में आप सोचिए कि इस एज रेटिंग में जो 15-19 या 25-34 साल के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और मोस्टली मेरे वीडियो को मेल देखते हैं, फीमेल कम देखती हैं, तो कब फ्री होते हैं? मान लीजिए आप दोपहर में डालेंगे 12-1 बजे, तो नहीं देखेंगे, वो स्कूल में होंगे, ऑफिस में होंगे, काम कर रहे होंगे, तो उसे पॉसिबल नहीं देखने के लिए। तो आपको डालना है जब आपके सब्सक्राइबर या व्यूअर जो आपकी वीडियो को वॉच कर रहे हैं फ्री हो, मतलब उसमें बैठे हों दोस्तों, तब वो देखेंगे ना। अब आप जब मन करता वीडियो अपलोड कर थोड़े देख पाएंगे। अब मान लीजिए संडे को कोई बढ़िया मैच हो रहा है तो अब डाल देंगे, थोड़े को देखेंगे, सब सब मैच पे भी रहेंगे दोस्तों। पहली बात तो ये कि आप अपने वीडियो को उस टाइम पे अपलोड कीजिए जिस टाइम पे आपके सब्सक्राइबर, आपके जो व्यूअर हैं, आपके जो वीडियो देखने वाले लोग हैं एक्टिव हो। तो देखिए, मान लीजिए अगर कोई स्कूल का छात्र है, कोई बिजनेसमैन हो ना, तो वो हमेशा शाम के समय ही जो है 5 से 7-8 के बीच में फ्री रहते हैं। आप अपना वीडियो उसी टाइम पर अपलोड कीजिए, ठीक है। मैं अपना वीडियो हमेशा उस टाइम अपलोड करता हूँ जिस टाइम पर मेरे सब्सक्राइबर फ्री रहते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो है ना किसी भी टाइम पे जो है अपलोड कर देते हैं, उनको लगता है कि यार मेरा वीडियो चल जाएगा। भाई, नहीं हो पाएगा। आप कितना भी कर लोगे आपका वीडियो व्यू नहीं आएंगे। देख लीजिए, मेरे किसी किसी वीडियो पे 20 व्यू है, किसी किसी वीडियो पे 2000 व्यू है, किसी किसी वीडियो पे और ज़्यादा व्यू है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो मेरा वीडियो जिस टाइम पे अच्छे से अपलोड हुआ है, मतलब जो स्पेसिफिक टाइम उस पर अपलोड हुआ है, तो मेरे व्यू आए हैं दोस्तों। सब्सक्राइबर रेट भी ज़्यादा है, एवरेज क्लिक थ्रू रेट भी ज़्यादा है ना, और आपका क्लिक थ्रू रेट भी ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन जहाँ मैंने वीडियो गलत टाइप अपलोड किया है वहाँ पे मेरे भी जो है व्यू नहीं आएंगे दोस्तों। कभी कभी तो मैं रात को 12 बजे आता हूँ वीडियो अपलोड करके, उससे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। 12 बजे आपने डाला वीडियो, फिर रात भर वो खड़ा रहा, फिर सुबह किसके में जाएगा, कहाँ पे यूट्यूब उसको रिकमेंड करेगा, कहाँ वो सर्चेबल होगा, बहुत सारी यूट्यूब के एल्गोरिथम उसको पैक नहीं कर पाती दोस्तों। इसलिए
बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, और मेरा भी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने यूट्यूब वीडियो को एक प्रॉपर टाइम पर अपलोड कीजिए। और अगर आपने वो टाइम चूज कर लिया, मान लीजिए आपने चूज कर लिया दो बजे अपलोड करना ही करना दोस्तों, आप चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोगों को बर्थडे में जाना होता है, शादी में जाना होता है, मैं भी थोड़ा लापरवाही करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि मैं भी अपना टाइम वीडियो का एक फिक्स करूँगा, उस टाइम पर वीडियो अपलोड करूँगा। उससे क्या होगा, एक फिक्स टाइम पर जब वीडियो मिल जाएगी ना, तो उससे एल्गोरिदम बनता रहेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप अपने वीडियो में ज़्यादा गैप मत कीजिए, नहीं कि एक वीडियो 5 दिन पहले डाला और दूसरा वीडियो डाला 10 दिन बाद, ना एटलीस्ट 2 दिन पे या 1 दिन में वीडियो डाली अपलोड कीजिए। उससे आपका एक एल्गोरिदम मेंटेन रहेगा, लाइन से मेंटेन रहेगा, और आपका वीडियो टक उस एल्गोरिदम में फिक्स होता जाएगा। तो आपके जो है ना व्यू आने शुरू हो जाएंगे, आपकी रीच ज़्यादा जाएगी और आपके व्यू भी ज़्यादा जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप एक टाइम फिक्स कीजिए, मोस्टली शाम के समय आपके जो भी यूट्यूब YT एनालिटिक्स में जाइएगा आप, तो वहाँ पे दिखाता है किस एज के लोग आपके वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, उस एज के लोगों को अकॉर्डिंग ही अपना टाइम सेट कीजिए और वीडियो अपलोड कीजिए, ठीक है। अगर स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, तो शाम के समय फ्री रहता है 5-7 के बीच में, और सबसे बेस्ट टाइम होता है वीडियो अपलोड करने का। उस टाइम पर अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यू आएंगे, और धीरे धीरे आपके चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, रीच बढ़ेगा, तो आपका भी व्यू बढ़ने से आपके चैनल की ग्रोथ अच्छी खासी होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको पता चल गया होगा कि आपको अपना वीडियो किस टाइम पे अपलोड करना है, जिससे आपके सब्सक्राइबर बढ़े, व्यू बढ़े और चैनल भी ग्रो। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतने दोस्तों, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।